नमस्कार, मैं सोनाली कर्मा, आप देख रहे हैं SW 24 न्यूज़। नवरात्रि विशेष में आपका स्वागत है। नवरात्रि पर्व देवी पूजन के लिए जाना जाता है। इन दिनों देश भर के देवी मंदिरों में नवरात्रि के चलते विशेष पूजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऊन ग्राम के देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर में भी इन दिनों माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगने लगा है। मुंबई स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बाद यहाँ स्थित मंदिर देश में दूसरे नंबर के महालक्ष्मी मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ माता के दिन में 3 रूपों के दर्शन होते हैं। इस मंदिर से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश दसोंडी। तो आइए देखते हैं मंदिर से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट संवाददाता दिनेश दसोंडी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दसोंडी और मैं आज आपको नवरात्रि विशेष में लेकर आया हूँ ऊन के देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर, जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित। यह मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर द्वापर काल में बना। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुफा मंदिर, जिसमें महालक्ष्मी माता पिंडी रूप में विराजित। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता महालक्ष्मी दिन में 3 रूपों में लोगों को दर्शन देती है और जब भी श्रद्धा से लोग दर्शन करते हैं तो 3 रूपों में माता के दर्शन होते हैं। यह अति प्राचीन मंदिर कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर द्वापर काल में बनाया गया था और वर्षों तक, ये दशकों तक ये मंदिर एकदम निर्जन स्थान रहा। उसके बाद में कुछ ग्वालों की इस मंदिर पर नजर पड़ी। 1940 के दशक में यह मंदिर लोगों की निगाह में आया। उसके बाद धीरे धीरे आज आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में मुंबई के बाद दूसरे नंबर का यह मंदिर है, जो देवी श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है। और यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। इसी के चलते यहाँ 7 दिन नवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं और इन विशेष आयोजनों का फिलहाल दौर चल रहा है। आज 7 दिन नवरात्रि विशेष में मैं आपको इसी मंदिर से रिपोर्ट दिखाऊंगा। इसी मंदिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी इस रिपोर्ट। खरगोन जिले का ऊन ग्राम वैसे तो अपने पुरातन मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसी किंवदंती है कि यहाँ बल्लाल नामक राजा ने 99 मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ की विशेष ख्यातियों में शामिल द्वापरकालीन महालक्ष्मी जी के मंदिर ने इस स्थान को पूरे देश में अलग ही पहचान दिलाई है। खरगोन जिले का यह मंदिर पूरे देश भर की आस्था का केंद्र भी है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। यहाँ मंदिर स्थल पर एक द्वापर युगीन प्राचीन पत्थर की गुफा हुआ करती थी, जिसमें माता पिंडी रूप में विराजित हुआ करती थी तथा कुछ दशकों तक यह स्थान एकदम निर्जन स्थान हुआ करता था। इस मंदिर को अति चमत्कारी माना गया है। इस मंदिर के साथ कई तरह की किंवदंतियां भी जुड़ी है, कई तरह की अवधारणाएं भी जुड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ के एक श्रद्धालु जुड़े। क्या नाम आपका? राहुल कुमार साहू है। इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या इतिहास है, कैसा क्या है? मंदिर अति प्राचीन और पौराणिक महत्व का है। माता का विवाह भी यही हुआ था, ऐसी किंवदंती मानी जाती है। और माता 3 रूप बदलती है, यह तो जग विख्यात है। हर एक श्रद्धालु के यहाँ पर आस्था मनोकामना पूरी होती है। जैसे आप बता रहे हो 3 रूप बदलते हैं, तो माता के 3 स्वरूप कौन कौन से होते हैं? सुबह के समय बाल स्वरूप रहता है, दोपहर में युवा अवस्था का रहता है और शाम के समय हम ध्यान से देखें और श्रद्धा भक्ति से कामना करें तो वो वृद्धावस्था का स्वरूप हमें दिखाई देता है। एक बात और आपने कही कि इस स्थल को विवाह स्थल माना जाता है, तो उसकी क्या उदाहरण, क्या मान्यता, क्या किंवदंती है? अब ये पौराणिक महत्व के हिसाब से किंवदंतियाँ चला करती हैं। सभी श्रद्धालु भक्त का विश्वास है कि माता का विवाह भी इसी स्थल पर हुआ है। इनका कहना है कि किंवदंती है कि माता का विवाह इसी स्थल पर हुआ था। इसी स्थल के पीछे, यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे एक नारायण कुंड स्थल है, जो माता महालक्ष्मी का विवाह स्थल माना जाता रहा है। और वहाँ पे हाथी के, जो बारात में जो हाथी जो आए थे, उनके पैरों के निशान आज भी और मंडप के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ये भले ही किंवदंती हो, लेकिन लोगों की मान्यता इस मंदिर के साथ हमेशा से जुड़ी रही है। और इन्होंने भी ये बताया कि यहाँ देवी श्री महालक्ष्मी जी का विवाह स्थल भी है, जो यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे की ओर नारायण कुंड पर स्थित है। हर मंदिर के साथ कहीं ना कहीं कुछ मान्यता अवधारणा जुड़ी रहती है। इस मंदिर के साथ भी एक अवधारणा जुड़ी है। मेरे पीछे आप जो स्वस्तिक दिख रहे हैं, उल्टा स्वस्तिक है। यहाँ ऐसी परंपरा, ऐसा रिवाज है कि लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और जब अपनी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको सीधा करने आते हैं। इसी बारे में हम इन महिलाओं से जानते हैं। क्या नाम आपका? झिलमिल मंडलोई। झिलमिल मंडलोई, ये उल्टा स्वस्तिक बनाने की क्या परंपरा, क्या रिवाज है? ये गांव की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो उल्टा स्वस्तिक बनाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आती है, उल्टा स्वस्तिक बनाती है और जबकि मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर उसको सीधा करने के लिए भी यहाँ आया जाता है। सीधा करने के लिए लोग मन्नत मांगते हैं, उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं, जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो उसको सीधा करने के लिए, अपनी मन्नत उतारने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में बताइए, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ये मंदिर ऐसे तो काफी पुराना मंदिर है, कहते हैं ये मंदिर द्वापरकालीन मंदिर है और माता की भी जो मान्यता है, कहते हैं यहाँ पे माता स्वयंभू है, खुद माता यहाँ पर आई थी। और ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि माता जो है यहाँ पर किसी ने उनको रखा नहीं है, ये माता खुद से यहाँ आई है। अच्छा, इस मंदिर में आप जब दर्शन करने आते हो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? इस मंदिर में काफी अच्छा लगता है, पंडाल भी काफी अच्छा है, यहाँ पर शांति सुकून मिलता है। अभी तो नवरात्रि में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत सजावट भी होती है, गरबे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? मैं यही ऊन से। आप जब दर्शन करते हो कैसा महसूस होता है माता जी को? माता जी दर्शन करते बिल्कुल मन में शांति हो जाती है और खुशी होती है। मन में शांति और खुशी हो जाती है। और ये स्वस्तिक की परंपरा के बारे में इन्होंने बताया यहाँ से कि ये स्वस्तिक उल्टा बनाया जाता है। स्वस्तिक देख रहे हैं, ये उल्टा स्वस्तिक है और जिसने भी बना है उसकी जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो इसको सीधा करने के लिए, इस मन्नत उतारने के लिए यहाँ आएंगे। जैसे महालक्ष्मी का मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है, ऊन ही नहीं आसपास के लोग यहाँ दर्शन करने के आते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े, क्या नाम आपका? दीपक विराग, रायवड़पुरा से, खरगोन जिला। यहाँ आते हैं, कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? ये महालक्ष्मी मंदिर जो है उनमें स्थित है, यह खरगोन जिले में आता है। यहाँ पर खरगोन जिले के नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पर से जाने के बाद हमको एक विशेष सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और आत्म शांति मिलती है। जब आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो यहाँ पर निरंतर बचपन से ही आ रहे हैं, मेरे को कम से कम यहाँ पर आते हुए 20 साल हो गए। आरती करने भी हम आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते रहते हैं। आप जब यहाँ से जाते हैं या दर्शन करते हैं कैसा महसूस होता है, क्या अनुभव होता है माता को, कोई चमत्कार? यहाँ से जाने के बाद हमको जैसे ही घर जाते हैं सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेके जाते हैं और सच कहे तो ऐसी फीलिंग भी हमको आती है घर में। यहाँ से जब ये दर्शन करके जाते हैं तो ऐसा लगता है की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं और इस तरह का अनुभव अपने अंदर लेके जाते हैं। इनका कहना है की यहाँ से जब भी ये जाते हैं तो सुख समृद्धि लेकर जाते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ लौटा नहीं है। हमारे साथ जुड़े, क्या नाम आपका? प्रवीण पाटिल। प्रवीण पाटिल, आप यहाँ आते हो कितने वर्षों से आ रहे हैं? 3-4 वर्षों से आ रहा हूँ। 3-4 वर्ष। दर्शन करते कैसा अनुभव होता है? बहुत आनंद आता है, माता जी का दर्शन करने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। माता जी की महिमा के बारे में, माता जी के मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, कैसा क्या मंदिर है? माता जी की महिमा के बारे में तो कुछ बहुत बात अलग है और बहुत खास बात है। यहाँ के जो भी दर्शन करता है मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की जो भी दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सही बात यह भी है, दिन दिन आस्था का केंद्र बनता जा रहा है और जब भी यहाँ लोग आते हैं तो अपनी मनोकामनाएं, अपना दुखियारा लेकर आते हैं, दुखड़ा लेकर आते हैं और माता के दरबार से हंसते हंसते जाते हैं। कई लोगों की मन्नतें पूरी होती है। साल में 2 बार यहाँ नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि में, वैशाख की नवरात्रि और इस नवक्षेत्र नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रियों में भक्तों का तांता लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को मान कर जाते हैं, अपनी मांगों को यहाँ माता के समक्ष रखते हैं और अपनी मन्नतों को पूरी करने के बाद में, अपनी मन्नतों को यहाँ पूरा करने के बाद आते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। देवी महालक्ष्मी जी का यह मंदिर अति प्राचीन कार्य माना जाता है। मान्यता यह है कि इनके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता। इस मंदिर के प्रथम जीर्णोद्धार को लेकर भी एक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि 1940 के दशक में इस स्थान के आसपास चोर डकैतों का भारी आतंक हुआ करता था। उस समय में ऊन के सूबेदार ने इन डकैतों को पकड़ने के लिए महालक्ष्मी जी से मन्नत मांगी थी। बताया जाता है कि मन्नत पूरी होने पर उसने गुजरात के हीराजी पटेल नामक कारीगर को बुलाकर मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार कराया था, जो इस मंदिर से जुड़ा प्रथम चमत्कार भी माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में यहाँ विशेष आरतियों का आयोजन होता है, सुबह और शाम आरतियों का आयोजन होता है। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? श्रीमती उषा गजेंद्र सोनी। यहाँ नवरात्रि में विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में या मंदिर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जहाँ तक मेरा सवाल है कि माता जी के नौ रूप मतलब नवरात्रि में ज्यादातर देखने को आता है कि जो यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती है, जैसे बताते हैं कि उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, जिसकी मन्नत होती है उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो स्वास्थ्य को सीधा किया जाता है। हाँ, कई ऐसी लोगों की मान्यता है कि हाँ जो भी मांगा जाता है हमेशा आदमी को मिलता है, क्या मान्यता है इसका? हाँ, ये सही है कि जो अपन यहाँ आते हैं और मांगते हैं वो पूरी होता है। नवरात्रि में आप प्रतिदिन यहाँ दर्शन करते हो, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? नवरात्रि में 9 दिन तो बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल कि माता जी के यही रहना चाहिए, ऐसा लगता है एकदम, बहुत अच्छी शांति मिलती है यहाँ पे आने के। आपका क्या नाम है? अनिता गुप्ता। आप जब यहाँ दर्शन करते हो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अपने मन हल्का हो जाता है। और ये बहुत अच्छा पुराना मंदिर है, उनमें प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ। उन बहुत 60-70 साल पहले का मंदिर बना है, बहुत अच्छी तरीके से। आपका क्या नाम? अलका शांतिलाल वर्मा। आप नवरात्रि में जब माता के दर्शन करते हो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? अच्छा महसूस होता है। माता का मंदिर बहुत प्राचीन है। हाँ, इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, कैसा मंदिर है, क्या है, इतिहास कैसा है, कुछ जानकारी आपको? यह मंदिर बहुत अच्छा है महालक्ष्मी माता का। यह हर तीर्थ के नाम से जाना जाता है, उनका नाम। श्री महालक्ष्मी जी का प्राचीन मंदिर, हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मंदिर का इतिहास कैसा है, क्या इतिहास है मंदिर? ग्राम ऊन ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर काफी समय से पुराना ये इतिहास चला आ रहा है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी का जो है ब्याह हुआ था नारायण कुंड पर, और माता महाल। इस मंदिर का क्या इतिहास है? लोग कहते हैं कि द्वापर काल में इस मंदिर को बनाया गया था, क्या इतिहास? महालक्ष्मी माता मंदिर ये काफी पुराना है। पहले यहाँ पर मेरे हिसाब से, जो मेरा उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैंने जो सुना, यहाँ पर जो महालक्ष्मी का मंदिर था पहले इधर बहुत बड़ा घना जंगल था और यह जंगल में कोई भी आना जाना नहीं करता था, परंतु एक बकरी चरवाहा यहाँ पर बकरी चराने आता था और माता ने उसे यह स्वप्न में दर्शन दिए थे और वो बकरी वाले को यहाँ पर माता जी ने जो साक्षात दर्शन दिए, उसी के आधार पर यह माता जी की प्रतिमा को आगे बढ़ाया और आज तक माता जी की यह महिमा रही है। और माता जी के दरबार जो भी आता है, जो भी अपनी इच्छा मुरादे लेके आता है वो पूरी होती है। आयोजन होते नवरात्रि में, कैसे आयोजन होते हैं? यहाँ नवरात्रि में 9 दिन तक यहाँ पर अच्छे तरह से कार्यक्रम होता रहता है। यहाँ गरबा नृत्य होता रहता है, 9 दिन तक अपने हवन होता है और 9 दिन के बाद अपना गोपा अष्टमी आती है। गौ अष्टमी का यहाँ पर एक भंडारा भी होता है महालक्ष्मी मंदिर पर, और उसमें ऐतिहासिक भंडारा होता है। सारे गांव के बाहर के, खरगोन जिले के, खरगोन के आसपास के जितने भी लोग हैं सभी अपने गांव से आते हैं, यहाँ पर भंडारा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। माता जी की विशेष कृपा सब पर बनी रहती है और सबकी इच्छा और मुरादें पूरी होती है। नवरात्रि में कहीं किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं होता है। माता का यह चमत्कार है और उनका आशीर्वाद है। 9 दिन तक 9 उपवास रखते हैं और उसी उपवास में माता का यह परिणाम है कि वो उसको। एक बार माता जी का जयकारा लगा दीजिए। जय बोलो मुझे कारा माता रानी की जय। नवरात्रि में देवी श्री महालक्ष्मी जी का पूजन विशेष माना गया है। यहाँ महिलाओं के कुछ लंबी कतार लगा। हमारे साथ बालिका जुड़े, क्या नाम आपका? न्यासा। न्यासा, आप जब माता के दर्शन करते हो कैसा महसूस होता है? नवरात्रि में आप यहाँ आते हो, दर्शन करते हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, माता के दर्शन होते हैं और यहाँ बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत पुराना मंदिर है। कब से आप दर्शन कर रहे हो? मैं जब से मैं छोटी थी उसके पहले से ये। आपने माता से कभी कुछ मांगा है? हाँ, बहुत बार मांगा। आपकी मन्नत पूरी हुई है? हाँ, हुई है। ऐसा कोई चमत्कार माता का जो आपने महसूस किया आपके जीवन में, ऐसा लगा हो कि माता ने हमको एक आशीर्वाद दिया है, कैसा कभी महसूस हुआ कुछ ऐसा? मैं तो हमेशा पढ़ाई के बारे में मांगती थी और मेरी मन्नत पूरी भी हुई है। अच्छा, पढ़ाई के बारे में आप मांगते थे, आपकी मन्नत पूरी भी हुई है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी ये कोर्स कर रही हूँ BMLT लैब टेक्नीशियन। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अभी जब दर्शन करोगे माता जी से क्या मांगोगे? सुख शांति, सुख समृद्धि। सुख शांति और सुख समृद्धि मांगोगे अपने लिए? सबके लिए। सबके लिए, सबके लिए सुख समृद्धि मांगोगे। माता का आपने कई बार दर्शन किया, वर्षों से दर्शन कर रहे हैं, कभी माता से कुछ मांगा है, कभी मन्नत आपकी पूरी हुई है? आपकी मन्नत पूरी हुई है। नवरात्रि में माता का पूजन एक विशेष माना गया है और नवरात्रि में पूजन करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे साथ एक बालिका युवती जुड़ रही, क्या नाम है आपका? दिव्या बर्मा। दिव्या, जब आप दर्शन करते हो कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? यहाँ पर दर्शन करने से अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है माता के दर्शन करने से। और माता 3 रूपों में दर्शन देती है सुबह बच्चों के टाइप में, और दोपहर में युवावस्था में, और शाम को प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में दर्शन। माता के तीन रूपों में दर्शन। कभी माता को आपने महसूस किया इन रूपों में? हाँ, मैंने किया है ना। हम अधिकतर आते रहते दर्शन करने, तो मैंने ये महसूस किया है कि माता तीन रूपों में दर्शन देते हैं। ऐसा कौन सा काल था जब सुबह या दोपहर या शाम को कब आपने महसूस किया कि माता इस रूप में अपने को दिखाई दे रही है? मैंने तो अधिकतर तीनों टाइम में नोटिस किया है। तीनों टाइम में नोटिस किया है। आपको लगता है कि सुबह माता बाल्यावस्था में रहती है, दोपहर में युवा अवस्था, और शाम को प्रौढ़ावस्था में रहती है। आप माता के दर्शन करोगे, क्या मांगोगे माता से? सभी के लिए सुख समृद्धि, यश वैभव सभी के लिए। माता को चमत्कारी माना जाता रहा है, कभी आपने माता का कोई चमत्कार महसूस किया है? हाँ, अनेक रूपों में माता ने चमत्कार किए हैं। कभी आपने महसूस किया है माता के चमत्कार को? हाँ, मैंने महसूस किया है। जो मांगो वो पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। माता के इस प्राचीन मंदिर के साथ कई तरह की किंवदंतियाँ और मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। कई लोग इस मंदिर की और ग्राम के आसपास के इलाकों को माता लक्ष्मी जी की विवाह स्थली भी मानते हैं। लोगों की मान्यता है कि यह मंदिर के पीछे जंगल में स्थित नारायण कुंड पर माता महालक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ संपन्न हुआ था। इस मंदिर के साथ एक कथा और प्रचलित है। कहा जाता है कि यही मंदिर परिसर में माता महालक्ष्मी जी ने शिशुपाल नामक राजा का वध भी किया था। लोगों का मानना है कि शिशुपाल नामक राजा माता की इच्छा के विरुद्ध उनसे विवाह करने के लिए बारात लेकर यहाँ पहुँचा था। माता ने क्रोध में आकर उसी स्थान पर उसका वध कर दिया था। इस स्थान से जुड़ी शिशुपाल और उसके परिजनों की मूर्ति अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित जोशी। रोहित जोशी, माता को अति चमत्कारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी मनोकामना लोग करते हैं, मानते हैं, वो पूर्ण हो जाती है। माता के मंदिर के बारे में हमें दर्शकों को बताइए, क्या मंदिर की क्या महिमा? ये माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये पुराना मंदिर है और यहाँ जो भी मानते हैं वो पूरा होता है। अभी अभी मैं कुछ बीमार था, अभी एक महीने पहले मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी। माता के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गया हूँ और आज दर्शन दिए मेरे परिवार के साथ मैं आया हूँ। और माता से जो भी चीज़ मांगते हैं वो पूरी होती है। आपने भी आपके स्वास्थ्य को लेकर मांगा, आपके मनोकामना पूर्ण हो गई, आप स्वस्थ हो गए। अभी जब दर्शन करोगे माता से क्या मांगोगे, क्या कामना करोगे? माता से यही कामना है कि सभी को सुख समृद्धि वैभव प्रदान करे, वो पूरे रहे और सभी को अच्छा रहे। सभी को अच्छा रखे। माता का ये मंदिर अति प्राचीन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर काल में इस मंदिर को बनाया गया था और गुफा मंदिर के अंदर माता विराजित है, स्वयंभू विराजित है। पिछले दिनों माता का चोला परिवर्तन, और उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। यहाँ माता जी का 100 वर्षों बाद चोला परिवर्तन हुआ। ये अभी कुछ ही समय एक महीना पहले हुआ था और इसमें माता ने स्वयं चोले को अलग से किया था और नया रूप आया है। अब माता जी का नया रूप आया है। क्या नाम लिखता है? रोहित जोशी। माता सभी को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरबार से कोई खाली नहीं गया। एक बालिका हमारे साथ जुड़ रही है। क्या नाम है आपका? धनी मंडलोई। धनी, कहाँ से आए? धार से। धार से आए। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? कितने साल हो गए? वर्षों से आ रहे। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है माता का। ये ग्राम ऊन, जिला खरगोन में स्थित है। यहाँ पर आने से मन को शांति मिलती है। आप जब दर्शन करते हो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। माता रानी सबकी मुराद पूरी करती है। घर पे भी सबको सुख शांति प्रदान करे, इसलिए सभी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आप वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, बता रहे हैं विगत कई वर्षों से आ रहे हैं। आपने कोई ऐसा अनुभव किया हो माता जी का, कोई अनुभव जो चमत्कार के रूप में आपको महसूस हुआ हो? मन को शांति मिलती है, ये सबसे बड़ा है। और दूसरा की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप जो भी माता से मांगते हैं, माता सबकी इच्छा पूरी करते हैं। माता सबकी इच्छा पूरी करती है। और माता को कहा भी गया है सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने वाला। ये दरबार हर किसी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है और हर कोई जो भी यहाँ आता है कभी खाली नहीं लौटा इस दरबार से। इस मंदिर को अति प्राचीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर द्वापर काल में बनाया गया था। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें भाई साहब बताएंगे। क्या नाम है आपका? अनिकेत अग्रवाल। इस मंदिर के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे श्रद्धालुओं को बताइए। प्राचीन कालीन मंदिर है, जहाँ पर जो मुंबई में एक मंदिर है उसके महालक्ष्मी जी का, उसके बाद ये दूसरा मंदिर है प्राचीन, जो मूर्ति अपने आप अपने स्वरूप में है। और इसका अभी कुछ दिनों पहले ही चोला परिवर्तन हुआ है, जो माता जी का नया स्वरूप निकल कर आया है। उसमें करीब 100 वर्षों पुराना चोला जो माताजी ने उतार कर अब नया रूप लिया है। यहाँ जो भी माताजी का दर्शन करने आता है उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। हमेशा जो भी मांगता है माताजी से, वो माताजी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप एक स्थानीय श्रद्धालु है, नवरात्रि में किस तरह के आयोजन होते हैं, क्या क्या? नवरात्रि में यहाँ काफी आयोजन होते हैं, कई तरीके की चुनरी यात्राएं होती है, कन्या भोज होते हैं, माताजी के प्रांगण में नित्य नए गरबा वगैरह कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, जिससे श्रद्धालुओं का मन बना रहता है। इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जो आरती होती है वो बहुत प्रसिद्ध रही है और यहाँ आरती में जो भक्त शामिल होते हैं उनको एक अच्छा आशीर्वाद मिलता है। आरती के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रद्धालु। यहाँ की आरती सुबह 5 बजे माता जी की आरती होती है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में सारे श्रद्धालु आकर माता जी की आरती करते हैं, उनका एक अलग ही सुख मिलता है उन्हें और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शाम को भी 7 बजे के लगभग आरती होती है, उसमें काफी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, जिनका उनका सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ की आरती के बारे में कहा जाता है कि इस आरती में जो भी श्रद्धालु शामिल होता है उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आरती के समय पर यहाँ सुबह प्रातःकाल 5 बजे से लोग पहुंचने लग जाते हैं और शाम को भी आरती में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि देश का दूसरे नंबर का देवी श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है, पहले नंबर पे मुंबई में मंदिर है, उसके बाद दूसरे नंबर का मंदिर है। इस मंदिर को द्वापर कालीन कहा जाता है और द्वापर कालीन में यह मंदिर बना था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गुफा मंदिर के अंदर माता पिंडी रूप में विराजित है, जो पूर्वमुखी होकर, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता रहा है कि सूर्य की पहली किरण माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ती है और इस तरह ये मंदिर एक चमत्कारी भी माना गया, एक तरीके से धार्मिक महत्व भी रखता है। कुछ दशकों तक निर्जन रहा यह स्थान अब जन जन की आस्था का केंद्र भी बन चुका है। यहाँ वर्ष भर लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ लोग कई तरीके से माता से अपनी मन्नतें मांगते हैं। कई लोग मन्नत लेने के लिए मंदिर की पीछे वाली दीवार पर उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर वही लोग यहाँ बनाए हुए उल्टे स्वास्तिक को सीधा बनाकर अपनी मन्नतों को उतारते हैं। देवी श्री महालक्ष्मी जी को 52 से ज़्यादा गोत्रों के लोग अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट संवाददाता दिनेश दसोंडी के साथ। नमस्कार। इस स्थान के साथ कई किंवदंतियां, अवधारणाएं जुड़ी हुई है, लोगों की कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। हमारे साथ मंदिर कमेटी के गजेंद्र जी जुड़ रहे हैं। क्या कैसी मान्यता है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मंदिर जो महालक्ष्मी जी का प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर द्वापर कालीन है। ये माना गया है कि देवी यहाँ पर अपने 3 रूपों में दर्शन देती है, प्रातःकाल बाल्य रूप में, दोपहर प्रौढ़ावस्था में और सायंकाल वृद्धावस्था के दर्शन देखे जा सकते हैं माँ के। यहाँ पर जो माता की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू प्रतिमा है और माँ का जो आसन है कमल, वो कमलतली ग्राम में, यहाँ पर कमलतली का एक कुंड है और साथ ही माँ लक्ष्मी और नारायण का विवाह का जो मंडप है, विवाह मंडप नारायण कुंड पर बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर मंदिर के पीछे के हिस्से में शिशुपाल की एक खंडित प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि शिशुपाल माता की इच्छा के विरुद्ध शादी करना चाहता था और माँ ने उसका वध किया। एक शिशुपाल की कथा को लेकर लोग कहते हैं कि माता क्रोध में आकर शिशुपाल का यही मंदिर परिसर के पीछे वध किया था। ये बहुत पुरानी किंवदंती भी रही है और मान्यता भी रही है और लोगों को यहाँ उसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो क्या सच्चाई है उसके अंदर? अभी ये सब किंवदंतियाँ हैं और हम बुजुर्गों की बात को मानते हैं और ऐसा माना गया है कि शिशुपाल में, जिसे महाभारत में उसका वर्णन मिला है, उसके हिसाब से एक वास्तविक स्थिति लगती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर भी कहा जाता है कि माता शुरू से ही चमत्कार करती रही है। इसका प्रथम जीर्णोद्धार भी मंदिर के चमत्कार से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि माता के चमत्कार के कारण ही इसका प्रथम जीर्णोद्धार हुआ था। सूबेदार जो भगवानदीन की कहानी, इसके साथ जुड़े उसका वो हमें दर्शकों को कहानी बताइए, क्या क्या दृश्य था? 1940 के दशक में यहाँ पर एक थानेदार सूबेदार आए थे भगवानदीन यादव, तो ग्राम के कुछ वालों ने यहाँ पर बताया कि भाई हम गुफा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हमको बहुत अलौकिक शांति का अनुभव होता है। और वालों ने ये बात ग्राम के गणमान्य जनों को बताई। गणमान्य जनों ने थानेदार सूबेदार सिंह को साथ, भगवान दीन यादव को साथ में लेकर जब यहाँ पर आए तो देखा कि माँ की एक साक्षात प्रतिमा एक गुफा के अंदर विराजित है। और तभी से 1940 के दशक में प्रति मंगलवार यहाँ पर पूजा पाठ चालू हुआ और बाद में प्रतिदिन माँ की पूजा होने लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवानदीन को उस समय के तत्काल कप्तान, जो पुलिस कप्तान कहा जाता था, पहले एसपी नहीं चलते थे, तत्काल कप्तान ने कहा था उस चोर को पकड़ने के लिए, तो उसने माता की मन्नत की थी। क्या कहानी है वो? भगवानदीन यादव ने उस समय के जो बहुत ही माने गिरामी जो डकैत थे, ये सा माना गया है कि भाई उनको पकड़ने के लिए माँ से मन्नत मांगी और कुछ ही दिनों में उस बदमाश को उन्होंने पकड़ लिया और तत्कालीन पुलिस कप्तान ने उन्हें शाबाशी दी और साथ ही नगद इनाम स्वरूप 10,000 रुपये की राशि प्रदान की। उस समय यह राशि बहुत बड़ी राशि थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोनी। इस मंदिर के साथ जैसा कि उन्होंने कहा कि कई तरह की प्रबंधता जुड़ी है और इस मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार, जैसा कि इन्होंने कहा कि इसका इस मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार भगवानदीन यादव द्वारा करवाया गया था, जो यहाँ के सूबेदार थे, और मंदिर का प्रथम चमत्कार 1940 के दशक में देखा गया था। उन्हें मतलब भगवानदीन सूबेदार को तत्कालीन एसपी, मतलब उस समय कप्तान चलता था, पुलिस कप्तान ने उनको कहा था कि भाई आप 8 दिन के अंदर यदि चोरों को नहीं पकड़ते हो तो आप सबकी तनख्वाह, आपका जो वेतनमान रोक दिया जाएगा। उसने माता के सामने मन्नत ली थी और तीसरे ही दिन उसने चोरों को पकड़ा था। उसके बाद इस मंदिर का प्रथम जीर्णोद्धार भगवानदीन के द्वारा करवाया गया था। आज ये मंदिर आप देख रहे हैं, आज मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और अपनी मनोकामनाओं का पूर्ण होने के बाद में फिर इस दरबार में पहुंचते हैं। गगन जी और कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता जो महालक्ष्मी का प्राचीन मंदिर है, दक्षिण में वेल्लूर और साथ ही महाराष्ट्र में कोल्हापुर के साथ ही महालक्ष्मी का ये मंदिर मान्यता रखता है। प्रदेश के 3 बड़े देवी मंदिरों में महालक्ष्मी के मंदिरों में इसकी मान्यता है और ये बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर माना गया है। आज मैंने आपको देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर के एक विशेष रिपोर्ट दिखाई। ये दोपहरकालीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है, देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ इजाजत चाहूंगा। खबरें अभी बाकी खबरों के लिए देखते रहे SW 24 न्यूज़ में, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।